हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिनकर भारती एंड टुडे आई विल टीच यू ब्यूटीफुल टॉपिक विच इज़ फैब्रिक फॉल फ्रॉम क्लास 8th एंड ऑन पेज नंबर 20. ऑन पेज नंबर 20 इट्स अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कलर. सेम टॉपिक ऑन पेज नंबर 18 विद द हेल्प ऑफ पैन हैचिंग एंड द सेम टॉपिक ऑन पेज नंबर 16 विद द हेल्प ऑफ पेंसिल शेडिंग. सो एक ही टॉपिक को तीन बार रिपीट किया गया है, पहले पेंसिल से, फिर पेन हैचिंग टेक्निक, ये जो स्ट्रिपलिंग टेक्निक है पेन की हेल्प से, इससे, और थर्ड टाइम उसको रिपीट किया गया है पेंसिल कलर से. सो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले आपको फैब्रिक की हेमलाइन आपको ड्रॉ करनी होगी. हेमलाइन से हमारा मतलब है बॉटम लाइन. इस तरीके से आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं. ओके, एंड देन इस सर्कल को यहां पे ज्वाइन करना है, कनेक्ट करना है बिल्कुल स्ट्रेट. बैक साइड दिख रहा है फैब्रिक का, और बिल्कुल इसके सेंटर से सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करना है. सब देख सकते हैं बहुत ही इजी है ड्राइंग इसकी. अब शेडिंग करने के लिए हमको ज़रूरत होगी शेडिंग पेंसिल की. सो मार्केट में शेडिंग पेंसिल्स अवेलेबल है. शेडिंग पेंसिल्स अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं 4B, 6B एंड 8B. साथ में यहाँ पे एक बॉर्डर का डिज़ाइन भी है, तो ये बॉर्डर का डिज़ाइन भी हम ड्रॉ करेंगे. कुछ ऐसा जिगजैग का पैटर्न है. साथ में छोटे छोटे से कुछ फ्लावर के पैटर्न भी हैं. जहाँ पे पूरा स्पेस है वहाँ पे बड़े बड़े पैटर्न ड्रॉ होंगे, और जहाँ पे थोड़ा जैसे ये वाला पार्ट है तो हाफ कट रहा हो रहा है, तो हाफ ही विजिबल होगा. इस तरीके से तो शेडिंग की शुरुआत करते हैं सबसे लाइट से. 4B पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं. 4B पेंसिल को आपको इस तरीके से यूज़ करना है जब आप शेडिंग करेंगे. नॉर्मली जब आप पेंसिल को पकड़ते हैं इस तरीके से होल्ड करते हैं, लेकिन जब आप शेडिंग करेंगे तो ये थ्री फिंगर नीचे रहेगी, थंब से आपको इस तरीके से होल्ड करना है और ऐसे, और फर्स्ट जो फिंगर है आपकी फर्स्ट फिंगर से प्रेशर देना है. अगर जैसे जैसे प्रेशराइज करेंगे तो शेडिंग डार्क होगी, प्रेशर रिलीज करेंगे तो शेडिंग लाइट होती जाएगी. तो इस तरीके से आपको प्लेस करना है इसको. इस तरीके से बिगनिंग में थोड़ा सा डार्क रहेगा और एंड तक आते आते थोड़ा सा आप उसको लाइट करेंगे. अब जैसे ये वाला पार्ट ऊपर है तो इसकी शेडो यहाँ पे आएगी. तो इस तरीके से Now I'm using 6B पेंसिल ऑन edges part, क्योंकि 6B बहुत डार्क होती है तो बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना है उसको.
जैसे 6B आप यूज़ करेंगे एकदम से आपकी ड्राइंग में शाइन आ जाएगी। एक बार 6B पेंसिल यूज़ करके जितने भी जो इसके एजेस हैं स्ट्रॉन्ग एजेस, इनको हाईलाइट कर देते हैं। और सबसे लास्ट में हम यूज़ करेंगे 8B। 8B सबसे मैक्सिमम डार्क है, तो सिर्फ कुछ एजेस को हाईलाइट करने के लिए ही यूज़ किया जाएगा। सिर्फ कहीं कहीं पे जो हमारे डार्क एजेस हैं उनको हाईलाइट कर देंगे हम, जो कॉर्नर्स हैं बस। जिससे जितने भी जो हमारे एजेस हैं उनमें एक उनकी शाइन सी डेवलप हो जाएगी इस तरीके से। जितने भी जो हमारे सर्कल हैं, जो कॉर्नर है, वहाँ पे हम लोग 8B यूज़ करेंगे। से सारे एजेस हाईलाइट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सेम पैटर्न विद द हेल्प ऑफ पेन, और इस टेक्निक का नाम है देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग पेन को, जो हमारा बॉल पेन है उस बॉल पेन को 90 डिग्री पे रख के, ब्लैक बॉल पेन को 90 डिग्री पे रख के बनाते हैं, और इसको बोलते हैं स्ट्रिपलिंग टेक्निक। स्ट्रिपलिंग टेक्निक में क्या होता है कि पूरा जो भी वर्क होता है वो पेन की हेल्प से होता है, और डॉट डॉट लगाते हैं। सिंपली आपको डॉट डॉट लगा के पूरी डिज़ाइन को रेडी करना है इस तरीके से। पास पास में डॉट डॉट लगेंगे और पूरा आपका डिज़ाइन रेडी होगा। और जहाँ पे आपको डार्क दिखाना है वहाँ पे नंबर ऑफ़ डॉट इंक्रीज होंगे, और जहाँ पे आपको डिज़ाइन को लाइट करना है वहाँ पे नंबर ऑफ़ डॉट डिक्रीज हो जाएंगे। जब आपकी ड्राइंग पूरी हो जाए, जब आप उस पर पूरा स्ट्रिपलिंग कर लें, फिर आप ये पेंसिल के मार्क को इस तरीके से इरेज कर दें। अब आपको जहां पे डॉट चाहिए, यानी जहां पे आपको डार्क चाहिए वहां पे नंबर ऑफ डॉट इंक्रीज करेंगे, और जहां पे लाइट शेड चाहिए वहां पे नंबर ऑफ डॉट डिक्रीज करेंगे। इस तरीके से हम पूरा करेंगे। जैसे अभी इस पार्ट की शेडो यहाँ पे आ रही है, ये पार्ट अप है, इसकी शेडो यहाँ पे आ रही है, तो थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रिपलिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो इस तरीके से जहाँ जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ वहाँ पे आप पेन हैचिंग इस तरीके से करेंगे डार्क, और जहाँ पे आपको फोल्ड्स दिखाने वहाँ पे भी डार्क करेंगे। बाकी स्टार्ट करते हैं थर्ड विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कलर। इसके लिए ज़रूरत होगी हमें स्काई ब्लू कलर की, येलो कलर, वॉलेट एंड ऑरेंज कलर। सबसे पहले स्काई ब्लू कलर से करेंगे आउटलाइन, बिल्कुल लाइट ब्लू है, लाइट का एक शेड है ब्लू का। अच्छा, उससे पहले हम लोग एक फ्लावर के पैटर्न भी रेडी करके रख लेंगे। डार्क टू लाइट इस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से पेंसिल को होल्ड करेंगे। ज-
जहाँ पे आउटलाइन को डार्क करना है, थोड़ा सा पेंसिल को इस तरीके से होल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ये पार्ट ऊपर है और ये नीचे है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। येलो कलर लेंगे और येलो कलर से इस तरीके से इसमें शेड करेंगे। इस एरिया में थोड़ा सा डार्क शेड आएगा। तो यहाँ पे जाके हमारा फैब्रिक का फॉल कंप्लीट हो गया है विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कलर। सो आज इसी एक एक्सरसाइज में ही, यानी एक ही फैब्रिक के फॉल में, हमने क्लास एट के पेज नंबर 18 और पेज नंबर 20, तीन एक्सरसाइज हमने करी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्टिविटी को, इस ड्राइंग को करिए और अपने क्रिएटिविटी को एनहेंस करिए। वीडियो लाइक करिए, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।